मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा पर नर्मदा के सभी तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जबलपुर में भी सुबह से ही श्रद्धालु नर्मदा तट पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पवित्र स्नान किया, उसके बाद सूर्य भगवान को नर्मदा जल अर्पित किया। कार्तिक माह का अंतिम दिन होने की वजह से पूर्णिमा पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही इस दिन को देव दीपावली भी कहा जाता है, जिससे इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। यही वजह से नर्मदा में पवित्र स्नान करने के लिए दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा और लगभग 1.5 लाख लोगों ने स्नान और पूजन किया। कार्तिक पूर्णमासी का महापावन पर्व है। आप सुबह से ही देख रहे हैं कि आप सभी श्रद्धालु बड़े भक्ति भाव से मां नर्मदा जी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मां नर्मदा जी से अपने जीवन कल्याण के लिए सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए मां नर्मदा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ब्राह्मण को दीपदान, द्रव्यदान, अन्नदान देकर के अपने लिए भगवान के परम चरणों में स्थान प्राप्त करने की मनोकामना करते हुए सभी भक्त मां नर्मदा जी में दान पुण्य कर रहे हैं। आज कार्तिक पूर्णमासी का पावन पर्व है। पंडित अभिषेक उपाध्याय एक महीने के व्रत का आज उद्यापन है, इसीलिए श्रद्धा पूर्वक मां नर्मदे के दर्शन के लिए आए हैं। मां नर्मदा सबका कल्याण करे। इस दौरान प्रशासन के द्वारा भक्तों की सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, जबलपुर।